शाजापुर में आज राष्ट्रीय उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन शाजापुर जिला अस्पताल में किया गया, जिसमें शाजापुर कलेक्टर दिनेश चैन सहित बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी और डॉक्टर मौजूद रहे। आपको बता दें कि 24 मार्च को प्रत्येक वर्ष क्षय उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य टीवी मरीजों की संख्या में कमी लाना है। आपको बता दें कि इस मौके पर शाजापुर कलेक्टर दिनेश चैन क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाते हुए शहर में रवाना किया गया। आपको बता देते हैं कि शाजापुर में यहाँ रैली लोगों को जागरूकता का संदेश देगी। शाजापुर जिला टीबी मुक्त की और 2025 से पहले हमें शाजापुर को टीबी मुक्त करना है, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। आज वन टीबी डे पे प्रदर्शनी और क्विज का और जो जिन लोगों ने सर्वे में भाग लिया तो उन लोगों को प्रमाण पत्र के लिए। सर आज आपने रैली का भी आयोजन किया गया, सर रैली का क्या उद्देश्य है? सर रैली का उद्देश्य जनजन तक पहुँचाना टीबी के बारे में, जो लोग हमारे तक नहीं पहुँच पाते हम उन तक पहुँचें और क्या क्या उसके लक्षण रहते हैं वो सारे उनको तख्तियों में लिखवा कर लोगों तक जनजन तक पहुँचाया गया। जी सर आपका नाम? डॉक्टर के पी सिंह, डिस्ट्रिक्ट की। कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था टीवी 6 दिवस का, उसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम जिन लोगों ने सर्वे किया था, क्योंकि हमारा जिला जो था सिल्वर मेडल के लिए नॉमिनेट था और हमारे जो डीपीओ हैं डॉक्टर केपी सिंह, इनके प्रयास से काफ़ी अच्छा सर्वे हुआ है। टीवी का कंट्रोल 40% डाउन, जो 40% कंट्रोल में आया है, हमारे केसेस कम हुए हैं पूरे उसमें, और आगे भी प्रयास रहेगा कि हमारे केसेस 2025 तक बिल्कुल शून्य हो जाए, यही प्रयास रहेगा। सर अभी जिले में टीबी के कितने मरीज हैं वर्तमान में? टीबी के जो अभी एक्टिव मरीज है करीब 1300 के आसपास है। क्षय रोग निवारण दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है और टीबी, भारत को टीबी मुक्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2025 तक का टारगेट दिया हुआ है, तो उसी टारगेट को देखते हुए हमारे ज़िले में भी सर्वे वगैरह कराए गए हैं और जो टीबी के पेशेंट्स हैं उन लोगों का मॉनिटरिंग की जा रही है, उनको जो मल्टी ड्रग थेरेपी है डॉट्स के थ्रू, जो कि जो हमारे कार्यकर्ता रहते हैं वो सामने जाकर व्यक्ति को दवाइयां खिलाते हैं और उसमें मॉनिटर करते रहते हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने कार्यक्रम आज यहाँ जिन लोगों ने इसका टीबी का कार्य कर रहे हैं उनको सम्मानित करने का कार्य किया है, एक रैली का भी आयोजन किया है प्रचार प्रसार के लिए और लगातार टीवी पर इस पर काम करके परीक्षण करके लोगों का और कोशिश करेंगे कि शाजापुर जिला जो है जल्दी टीवी से मुक्त हो जाए। शाजापुर से दिलीप सराष्ट्र की ये रिपोर्ट।